Hello guys, before starting my video, I want to ask you all that why Northeastern history, geography or culture is not added in NCERT textbook yet? मैं आज इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि पारस सिंह नाम की एक युवक जो कि एक गेमिंग यूट्यूबर है, उसने हमारे अरुणाचल और अरुणाचल के लोगों को और MLA सर श्री निंगनोंग इरिंग को बहुत बुरा भला कहा, उसका शक्ल को स्ट्रक्चर को लेके उसका नाम को लेके बहुत बुरा भला कहा, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। क्या रहे हैं ये महाशय, तो चलते हैं ट्वीट पे। एक महाशय हैं, MLA साहब हैं ये हमारे, और ये कहाँ के MLA हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी जी से कि अलाउ मत करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। ओके ठीक है, इन्होंने लिखा क्या नोटिस के अंदर वो भी पढ़ लेते हैं हम। मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हों, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने, और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा जैसा कि आप सभी को पता ही है, और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओहो हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीस सिटीज़ हैं, साइड में भी चाइनीज़, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। जैसे कि आप लोग वीडियो पर देख चुके हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर ने अपलोड किया था, तो आज मैं इस बात पर तो बात करने वाला नहीं हूँ कि पारस सिंह को क्या पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं कुछ और ही टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आप लोग को क्या लगता है, पारस सिंह जैसे लोगों को अरेस्ट करने से सोसाइटी में कोई चेंजेस आएगा? मुझे तो लगता नहीं कोई चेंजेस आएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा या काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज से 10 महीना पहले हेमा चौधरी नाम की एक लड़की ने नागालैंड को बहुत बुरा भरा कहा, उनके लोगों को बहुत बुरा भरा कहा। प्रोटेस्ट चालू करो तो ही वीडियो डालो, हर आदमी वीडियो डालो, बॉयकॉट दैट फकिंग नागालैंड बास्टर्ड्स, मेरे को सामने मिलेगा एक एक का गला काट के फेंक दो। अगर चेंजेस लाना था बोलने से, उसका जो केसेस हो, जो हेमा चौधरी का केसेस है उनसे ही चेंजेस आ जाना था, बट ऐसा कुछ चेंजेस देखने नहीं मिला। बल्कि हेमा चौधरी को गिरफ्तार करने के कुछ ही समय बाद दुर्गा देवी नाम की एक और महिला ने हमारी नोटिस को बहुत बुरा भला कहा, और उसने तब हाथ पूरा कर दिया जब उसने ये कहा कि नोटिस वालों को हिजरो की फोर्स है, जैसे कि आप वीडियो पे देख सकते हैं। क्या रे नॉर्थ ईस्ट क्या होता है रे, तुम्हारे बाप का है क्या राज? नॉर्थ ईस्ट से तो कुछ भी भौंकेगा, कुछ भी बोलेगा, तुम लोग ना औरतों की इज्जत करते हो ना कानून की कोई मर्यादा रखते हो, बेशर्मो, तुम कुत्ता खाओगे तुमसे ही, हेमा का कुत्ता काट के खाओगे, उसकी काली को काट के खाओगे, सड़क के कुत्तों की फोटो डालते हो, मारा हुआ कटा हुआ खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लॉ नहीं तोड़ रहे, किसी औरत को गाली देते हो, मुझे 9 दिन ट्रोलिंग करते हो, उसको हेमा को ट्रोलिंग कर रहे हो, अगर शर्म है SCM को बोल, मिजोरम में कुत्ता खाना बंद, नागालैंड में कुत्ता खाना बंद, और कितने और स्टेट्स बचे हैं वो भी हम बंद करेंगे, समझे? बाप में ताकत है ट्रोलिंग करता भी शर्म लोग, FIR किया तो FIR में लड़ना, साला कहीं का कहते हिजड़ों की फौज है, हिजड़े हो तुम, हिजड़ो समझे, तुम देश की रक्षक नहीं हो ना संविधान की रक्षा कर सकते हो, यू आर यूजलेस क्रिएचर लाइक अ मैगट डॉट राजकर। ये तो काफी पुराना बात है, लगभग महीना हो चुका, 10 महीना पुराना है,
मैं अभी रिसेंट कुछ केसेस की बात करना चाहता हूँ, जैसे कि अब पारस सिंह की केस की जस्ट विद इन ए डे के बाद फिर दो यूट्यूबर, गेमिंग यूट्यूबर ने, एक ने तो अपनी शक्ल को लेके, निनोम सर की शक्ल को लेके उसको चाइनीज बोला, और एक ने निनोम सर का नाम को लेके चाइनीज बोला, जैसे कि आप लोग इन वीडियो पे देख सकते हैं। मोबाइल इंडिया है तो दिक्कत ही क्या है उनके, जो जो लोग ये जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल, ठीक है एक बहुत गंदा ट्रोल करता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल जो अभी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आ रहा है वो चाइना का है, यार तुम अपना नाम तो देखो, तुम्हारा नाम तो चाइना का है, जिस भी बंदे ने ट्वीट डाला उसका नाम देखो एक बार जाके, क्या नाम है उसका। सब मिनिस्टर सेइंग बीजीएमआई शुड नॉट बी लॉन्च, इज इट कमिंग और नॉट, भाई वो यार जो मिनिस्टर ने बोला यार, क्या किस मिनिस्टर की बातों में आ रहे हो तुम, देखो ना यहाँ से पहुंच उनका खुद का अता पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको, तुम वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे शक्ल से। मैं ये वीडियो क्लिप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये प्रूफ हो कि मैं जो बोल रहा हूँ कोई गलत नहीं, सही इन्फॉर्मेशन है, और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था एक यूट्यूब पर जो कि अरुणाचल से है और जिसका नाम मिस्टर करका, जिसका वीडियो पर मुझे एक लाइन उसका बहुत अच्छा लगा जो उसने क्या कहा, आप देख लीजिए। इनअप्रोप्रिएट, तो अभी मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन रखना चाहता हूँ आप सभी के सामने, इस ओपिनियन को रखने से पहले मैंने हजार बार सोचा इसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गलती है रिगार्डिंग दिस केस ओनली, क्योंकि आई एम इन कॉलेज राइट नाउ एंड क्लास नर्सरी से लेकर आज तक मैंने बहुत सारी हिस्ट्री किताबें पढ़ी है, बहुत सारी हिस्ट्री एग्जाम्स भी दिए हैं, बट मैंने आज तक किसी भी एजुकेशनल हिस्ट्री किताब में अरुणाचल की हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ा है, ना ही मैंने किसी एग्जाम में अरुणाचल के हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन देखा है। मैंने अभी तक जितने भी अरुणाचल की हिस्ट्री के बारे में देखा है या तो वो कोई लोकल का आर्टिकल ही होता है, अरुणाचल के लोकल का आर्टिकल ही होता है, या फिर कोई अरुणाचली अपने अरुणाचल के बारे में बताता है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि ये जितने भी CBSE हैं, NCERT के बुक्स हैं, सभी में कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक चैप्टर में तो अरुणाचल की हिस्ट्री के बारे में मेंशन करना चाहिए, ताकि नॉर्थ इंडियंस भी, बाकी जो अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स हैं, सभी को अरुणाचल के बारे में पता चले, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चले, और जिससे एक और परास ऑफिशियल पैदा ना हो। तो जैसे कि आपने वीडियो करका के वीडियो में देखा, उसने क्या कहा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही गलती है, तो हम सबको, हम ये कहने के लिए आप लोगों को ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही गलती है। और जब मैंने करका का वीडियो देखा तो मेरा अंदर एक क्यूरियस फायदा हुआ और गूगल पे सर्च किया कि कोई तो है, कोई तो होता होगा जिसने मतलब इस केस के, मतलब हम लोग का जो नोटिस हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी के ऊपर में कोई आवाज तो उठाया होगा। तो मुझे सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन मिला, उससे ज्यादा मुझे नहीं मिल पाया, शायद उससे ज्यादा भी होता होगा पर मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिला। पहला जानकारी मुझे मिला बाय आवर XCM ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय श्री नवम सुखी सर, जिसने 2014 पे मनमोहन सिंह जी डॉक्टर मनमोहन सिंह से ये कहा था, ये अर्ज मतलब ये कहा था कि जो नोटिस की हिस्ट्री है उसको NCERT बुक में इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐड किया जाए। तो मनमोहन सिंह इस बात पर राजी हो गए थे और इम्प्लीमेंट होने वाला था, बट 26 ऑफ मई को 2014 को हम लोग का गवर्नमेंट चेंज हो गया था, तो जिसका वजह से वो हो नहीं पाया, जिसको वजह से वो जो इम्प्लीमेंट था जो CBSE में नोटिस का ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी एड होने वाले बात था वो क्लोज हो गया। आफ्टर डेट वो आज तक किसी ने कुछ उसका आज तक अभी कोई अपडेट मुझे मिला ही नहीं। और दूसरा न्यूज मुझे ये मिला था, जैसे कि आप लोग मेरा साइट पे देख सकते हैं, इन 2004 बाय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एंड उल्फा बैंडेड उल्फा, और उनका ये कहना था कि वाई हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री अभी तक NCERT बुक में क्यों ऐड नहीं किया है, सो दे वर प्रोटेस्टिंग फॉर डेट कि NCERT बुक पर, स्पेशली NCERT बुक्स पर नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री को ऐड किया जाए। उल्फा का कहना यह भी है, अगर नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री को अपना देश का इंडियन हिस्ट्री में कंसीडर नहीं कर सकता है तो इंडिया का कोई हक भी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट को अपना देश माने। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग इस
आर्टिकल पे देख सकते हैं, उसने ऐसे लिखा, अगर तू अपनाना है तो आप लोग हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो कल्चर है, जो ज्योग्राफी है, उसको एनसीईआरटी बुक में किताब पे ऐड कीजिए, क्योंकि हम लोग के बारे में भी बाकी भारत के वासियों को मालूम होना चाहिए। यही था मेरा दो जो बोला था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि शायद और बहुत सारा होगा, लेकिन मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, तो जितना मिला उतने में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज आवाज उठाइए आप लोग, अगर तो आपका ये रेसिस एंड करना है तो हम लोग का इलेक्शन सिस्टम पर नोटिस का बारे में अच्छा से इसका नोटिस का हिस्ट्री, नोटिस का ज्योग्राफी एंड नोटिस का कल्चर पूर्व सब कुछ ऐड करना चाहिए। सिर्फ व्हिच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, आसाम में है, ये इनफ नहीं है। तवांग का अरुणाचल का तवांग का बोलेगा वो इनफ नहीं है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, शिलोंग, दैट्स नॉट इनफ। लॉन्गेस्ट वाटरफॉल कहाँ पर है? मेघालय पे। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पड़ता है? मेघालय में। वो सब छोटा मोटा बात है, वो सब दैट्स आर नॉट इनफ कि किसी इंसान को ये एक एजुकेशन देने के लिए, मतलब नॉट आई वुड से दैट एजुकेशन, किसी इंसान किसी व्यक्ति को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द नोटिस, दैट्स नॉट इनफ। अगर तो अवेयरनेस लाना ही है बोलने से, हम लोग का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड कल्चर्स के बारे में एनसीईआरटी बुक पे ऐड करना ही पड़ेगा। एंड सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द मिनिस्टर्स एंड टू ऑल द ऑल ऑफ माय नोटिस्टेंस दैट प्लीज रेज योर वॉइस टू ऐड आवर हिस्ट्रीज अबाउट आवर नोटिस टू आवर इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जैसे कि लोगों को नोटिस के बारे में अवेयरनेस होगा, नोटिस के बारे में नॉलेज होगा, तब ये रेसिस्ट एंड हो पाएगा। दिस इज द ओनली वे टू एंड द रेसिस्ट अगेंस्ट द नोटिस पीपल।